हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या एजेंट में। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक पार्श्व चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, जिसमें कोण सी बराबर 90, एबी बराबर 9 मीटर, बीसी बराबर 12 मीटर, सीडी बराबर 5 मीटर और एडी बराबर 8 मीटर। तो इस पार्क का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोण सी बराबर दिया हुआ हमको 90, कोण सी बराबर हमको दिया हुआ 90। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं सी। अब 90 है तो ये हमेशा एकदम सीधा होगा, ये मेरा हो गया सी। अब ए बी बराबर क्या दिया हुआ 9 मीटर, ए बी बराबर मान लेते हैं ये 9 मीटर। बी सी बराबर दिया हुआ है 12 मीटर। अब यहाँ पे सी डी, ये सी डी जो मेरा दिया हुआ कितना 5 मीटर, तो कम हो जाएगा, ये दिया हुआ मेरा 5 मीटर। और ए डी बराबर यहाँ ए से लेके डी तक का दूरी दिया हुआ 8 मीटर। तो इस पार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कौन सी हमको क्या दिया हुआ समकोण है, तो यहाँ पे हम बी और डी को मिलाएंगे, और बी और डी को मिलाएंगे यहाँ दो त्रिभुज बनेगा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दो त्रिभुज क्या बनेगा, ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी, दो त्रिभुज है। अब यहाँ कितना त्रिभुज है, दो त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी ए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ समकोण इसीलिए क्या है क्योंकि यहाँ कोण सी कितना दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसीलिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, तो बेस कितना देखते हैं, यहाँ दिया हुआ 12 और ऊंचाई कितना दिया हुआ हाइट 5 दिया हुआ है। तो 2 गुना 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो 6×5=30 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया त्रिभुज बी सी डी कितना आएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजा दिया हुआ, अब यहाँ पे ए 9 दिया हुआ, 8 दिया, बी डी वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हमको क्या निकालना है, तो पहले हमको बी डी निकालना है। तो बी डी बराबर यहाँ पे देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज में ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण, ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण, और कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 169, यानी 169 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 13×13 यानी 20। डी का वैल्यू क्या आ गया 13 मीटर, यानी ये जो मेरा तीसरा भुजा है ये क्या आ गया कर्ण बराबर 13 मीटर। यानी अब यहाँ पे ए बी डी में ए का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 9 मीटर, बी का वैल्यू 8 मीटर और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ 13 मीटर। अब यहाँ पे हमको क्या निकालेंगे, एस, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 13/2, 9×8=17, 17 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 30/2, ये क्या आ गया 15, यानी एस का वैल्यू मेरा कितना आ गया 15 मीटर। अब इसका हम एरिया निकालेंगे, तो इसीलिए क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी, इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एस का वैल्यू 15 15-9 15-8 और 15-13, ये हो गया
अब देखते हैं फिर 15, अब 15 में से 9 माइनस करेंगे हो जाएगा 6, गुना 15 में 8 माइनस करेंगे हो जाएगा 7, 15 में 13 माइनस करेंगे हो जाएगा 2। अब 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना, अब 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुना 3 गुना, अब 7 का फैक्टर करेंगे तो नहीं होगा और 2 का फैक्टर करेंगे 2 होगा, आगे होगा। अब यहाँ पे 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2 ये था। अब यहाँ पे जोड़ा लगाते हैं, 2 यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ 3 कितना 1 और 2 यानी 2 3 है तो 1 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 गुना 7 तो 3 गुना 6 रूट 35 क्या आ गया, 6 रूट 35। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, तो क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ पे ए बी सी डी, तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी डी प्लस एरिया त्रिभुज बी सी डी। अब यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकल गया 6 रूट 35 प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकला है 30। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे रूट 35 प्लस 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखते हैं, ए बी बराबर मान लिए 3, बी सी बराबर 4, सी डी बराबर 4 और डी ए बराबर दिया हुआ है 5 और ए सी विकर्ण ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी में दो त्रिभुज ए डी सी तथा ए बी सी है, यानी चतुर्भुज जो है ए बी सी डी में यहाँ दो त्रिभुज दिया, ए डी सी ये पहला त्रिभुज है और ए बी सी ये दूसरा त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज है, अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में क्या हो जाए, 5 4 5, यानी ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है 5, ये दिया हुआ है। तो एस निकालेंगे, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5 बटे 2, 5 4 9 9 5 14 14 बटे 2, यानी कितना आ गया है, ये 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 7 7 माइनस 5, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस होगा क्या होगा 2, 7 में 4 माइनस करेंगे 3, 7 में 5 माइनस करेंगे 2। अब देखते हैं, अब फैक्टर तो किसी का नहीं होगा, ना 7 का ना 3 का, यहाँ 2 1 है, ये 2 मिलके 1 1 हो गया, 1 2 हो गया और रूट 7 गुना 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और सी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एस बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे
चार तीन सात और सात पाँच हो जाएगा बारह बटे दो, तो क्या हो जाएगा दो चार के बारह, तो क्या आया एस का वैल्यू क्या आया 6 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस है, एस का वैल्यू 6, एस माइनस है 6 माइनस 3 6 माइनस 4 और हो जाएगा 6 माइनस 5 फिर हो जाएगा 6। अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 6 में जो है 4 माइनस करेंगे हो जाएगा 2, 6 का फैक्टर करेंगे 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब यहाँ पे क्या हो गया 3 2 को है और 2 भी 2 को है तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2 यानी कितना है ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा जो है यानी मेरा क्या हो गया त्रिभुज ए डी से क्षेत्रफल निकल गया मेरा कितना 2√21 और त्रिभुज ए बी से क्षेत्रफल कितना निकल गया 6। अब हमको निकालना है त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे दोनों को एड करेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए डी सी का क्षेत्रफल कितना निकला था मेरा 2√21 और ए बी सी क्षेत्रफल कितना निकला है 6 निकला है। अब दोनों हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा √21 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।